अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज मैं आ गई हूँ सारे कामों से फ्री होकर, कपड़े वगैरह धुलकर नहाकर खाना बनाने के लिए। और खाने में आज बना रही हूँ मटन कोरमा स्पेशली हमारी बाजी के लिए। तो बस मैंने बनाना शुरू कर दिया है और आज शाम को हमें शादी में भी जाना है। शुरू कर दिया हमने हमारा व्लॉग हमारी किचन से, हमारी प्यारी खूबसूरत जगह से। लेडीज के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी जगह यही होती है किचन, क्योंकि ज़्यादातर वक्त यहीं गुजरता है। तो बस हमारी प्याज वगैरह फ्राई होगी, तब तक हम मटन को धो लेते हैं, तो हमारे सारे काम एक साथ हो जाएंगे। तो गाइस बन चुका है खाना, बस निकालते हैं बाजी के लिए फटाफट से। तो बन गया हमारा मटन कोरमा, बनकर रेडी हो गया है। यम्मी टेस्टी, लाजवाब, ख़तरनाक। कलर रंगर देख कर ही पता चल जाता है कि सब्जी कैसी बनी है। जब हम काम करते हैं तो हमारे जैद बाबू ऐसे बैठे होते हैं, और जब हम कुछ खाने को देते हैं तो ऐसे नीचे गिरा देते हैं सारा कुछ। मैंने इस कटोरी में रख के दिया था, सारा गिरा दिया इसने, जैद ने सारा गिरा दिया। इसमें रख के खाओ, ठीक है? ठीक है जैद, जब हम दोनों कामों में बिजी होते हैं तो हमारे जैद को हम इस तरह से संभालते हैं, इस तरह से संभालते हैं। हमारा भी तो यहाँ बैठा लेता है, हाँ यहीं से हम बात करते रहते हैं हमारे जैद बाबू से, और काम भी करते रहते हैं, है ना भैया जैद? तो गाइज यहाँ पर आ चुकी है हमारी प्रिंसेस अदीबा गेट खोलने के लिए, क्योंकि आ चुका है हमारा अजीम। और अजीम आया है गुना से बस से, और अभी रेहान फरहान चले गए थे कार से उसे लेने के लिए बस स्टैंड पर। तो अभी अजीम को लेकर आ गए हैं, और अब चलेगी रेहान फरहान की और अजीम की फुल मस्ती। और अजीम नहीं आ पाए थे बाजी के साथ, क्योंकि अजीम के टेस्ट वगैरह चल रहे थे, अजीम की पढ़ाई चल रही थी ना, तो इसलिए अजीम नहीं आया था। अभी रेहान फरहान लेकर आ गए हैं, और बस अब ये तीनों भाई हैं, और बस इनकी मस्ती नानी के यहाँ पर खूब मस्ती करेंगे तीनों मिलकर। तो बस अभी राजीव अंदर आ गया है। तो गाइज आज है जुमा, आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी अप्पी जा रही हैं आज रूहान भाई को टीका लगवाने, और रूहानी हमारी रेडी है, रूहानी रेडी है, मेरी रूहानी सो रही है। तो अभी जा रही हैं, रेहान लेकर जा रहा है। चलो मिलते हैं मनी बाजी, अल्लाह हाफिज। टीका लगने के बाद बुखार आता है रेहान, उसको जैद को भी आता है, रेहान कह रही हूँ जैद को भी आता है। क्या गिरा मेरे कपड़ों में से? हाँ शायद, चलो ठीक है कोई नहीं, जाओ। निकाल लिया है मैंने अपना ये वाला सूट शादी में जाने के लिए, रेडी होने के लिए। तो बस सभी लोग रेडी होने लगे हैं, तो यहाँ पर मैं भी आ गई रेडी होने के लिए मगरिब पढ़ के। तो फटाफट से रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ध्यान बेटा मत करो, मान जा तैयार हो जाने के, लेट हो जाएंगे। खीरे को अपने अभी धो देते हैं ना। हाँ जी। तो गाइज हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं, और जनाब आ चुके हैं अपनी शॉप को क्लोज करके, और लेकर आए इतने सारे फ्रूट्स सभी लोगों के लिए। हाँ बेटा, हाँ। तो गाइज मैंने मंगवाई थी कल के लिए सब्जी, तो कल बनाऊंगी लौकी, और टमाटर वगैरह खत्म हो गए थे तो वो भी मंगा लिए आज। वैसे मुझे जाना था सब्जी मंडी, लेकिन मैं नहीं जा पाई, तो हमारे जनाब ले आए हैं। तो इसमें टमाटर है, मैं सोच रही हूँ लौट कर आकर धुलेंगे उसमें ना। हाँ वाजी, और क्या, कपड़ों में छिटे आएंगे पानी के, इसी से ठंडे होने वाली चीज़ें उन्हें रख दो। हाँ फ्रिज में रख दो। तो ये जनाब तरबूज लेकर आए हैं, देखिए कितना बेहतरीन लाजवाब लेकर आए हैं। इसे लगा के फ्रिज में, और अकेले यहीं रहने देते, खाता नहीं, बच्चे नहीं खा पाएंगे अभी। तरबूज और ये लगा दो बस, तरबूज बनाना भी कितने सारे और कितने बड़े बड़े लेकर आए हैं, कितने बड़े साइज के। ऐसे तो यही रख देती हूँ मैं ना, फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। हाँ। सब्जी भी यही रहनी थी, लौट के आके धो के रखेंगे ना। हाँ बाजी। ऐसे पूछ क्या हुआ दीपा, बनाना खाना है क्या? और गाइस हमारी बाजी नहीं जा रही है शादी में, बाजी कह रही है आप लोग चले जाओ। तो बाजी का खाना हो गया, मम्मी का भी खाना हो गया, मम्मी भी नहीं जा रही है, मैं उज्मा अप्पी और बच्चे जा रहे हैं, और जनाब भी नहीं जा रहे हैं, जनाब को मैंने खाना दे दिया है। तो उज्मा ये टमाटर और खीरा हम लौट कर धुलेंगे, फ्रिज में रख देते हैं। चलो चलो। तो गाइज निकल रहे हैं सभी लोग, रेडी हो गए, सब्जी वगैरह हम लोग आकर रखेंगे, फ्रूट्स हमने रख दिए हैं फ्रिज में। तो बस सभी रेडी हैं, बाजी नहीं जा रही अभी, क्यों ना आते हैं बाजी, जाकर आते हैं बाजी, अल्लाह हाफिज।
तो गाइस मैं निकल आई हूँ, मैं बहुत देर से तैयार घूम रही हूँ और हमारी फरहान मारूंगी, फरहान परेशान करता है जब भी मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। तो गाइस हमारी अप्पी निकल ही रहे थे हम लोग कि रूहान उठ गया और उसे दूध पिलाना पड़ गया अप्पी को। तो गाइस रूहान को भी रेडी कर रही हैं अप्पी, रूहान को नहीं छोड़ रही हैं क्योंकि वो रहेगा नहीं। अप्पी कह रही हैं ले ही चलते हैं भाभी, अगर इसने परेशान करा तो फिर बीच से आना पड़ेगा इसलिए। और यहाँ पर रहना हमारा अपने शूज़ पहन रहा है और अभी अदीवा हमारी ये देखें भागी भागी घूम रही है। ये देखें अदीवा माशाल्लाह। हाय कर लो सबको, जल्दी से हाय करो। हाय ऐसे कॉमेडी करती है हमारी अदीवा। हाँ देखे चीकू भाग गई, हम लोग निकल के आए और चीकू भी भाग गई है। क्या हुआ उसका? गाइज़ यहाँ पर हम ननद भाभी और बच्चे हम लोग पहुँच चुके हैं मैरिज होम। तो अभी हम लोग अंदर भी आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है गार्डन। तो बस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद कुछ रिलेटिव से मिलेंगे तो और उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। तो इस साइड पर खाना चल रहा है, हमारी आज की थाली, हमारा खाना लग चुका है और ये रूहान भाई मामी की गोद में। रूहान रूहान और ये रूहान भाई तो बस अभी हम लोगों ने खाना तो खा लिया है, अभी हम देखने जा रहे हैं वो सारे गिफ्ट जो लड़की को दिए जा रहे हैं। अभी वो भी कमाल की है। तो देखा आप लोगों ने, सुनी अदीवा की बातें। अदीवा ने ये सारे गिफ्ट देखकर कहने लगी कि इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं तो हम भी शादी कर लेते हैं और हम लोगों को बहुत हंसी आई थी। अदीवा ना हमारी बहुत ज़्यादा मस्करी है, बहुत मस्ती करती है और बहुत ज़्यादा कॉमेडी करती है। और देखें ये साइड पर पूरे रूम बने हुए हैं मैरिज होम के और ये सारे गार्डन का व्यू है। और गाइस बारात भी आ चुकी है तो सारे बाराती भी इस साइड पर बैठे हैं और दूल्हे को पहुंचा दिया है स्टेज पर तो वो स्टेज पर बैठे हैं। तो गाइज आज का जो निकाह है ना, ऐसा निकाह मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि लड़के को निकाह से पहले निकाह का मतलब बताया जा रहा है और जो मेहर हमारे यहाँ बांधा जाता है उसका सारा मतलब समझाया जा रहा है कि मेहर किस तरह से अदा करना होता है। तो देखें आप भी सुने। पहली किस्म तो ये है कि जिसको आप अपनी जबान में शरह पैगम्बरी कहते हैं उसको कहते हैं और उसके साथ साथ जो अल्लाह के रसूल मेरे और आपके आका ने अपनी बेटियों का अपना मेहर दे दिया, पैगम्बरी लिया जाए, लोगों का कैसे लिया जाए, लड़के की हैसियत का अंदाज़ा उलमा। तो गाइस शोर शराबा इतना ज़्यादा है ना कि उसकी वजह से हाफिज़ साहब क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम लोगों ने सुना था, हमें बहुत अच्छा लगा कि वाकई इस तरह से लड़की को समझाना चाहिए, ये सारी बातें उन्हें पता होना चाहिए निकाह से पहले। तो ये देखिए बाजी के सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, बाजी से बोल रहे थे कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं और आपसे मिल के हमें बहुत अच्छा लगा। किसी ने बताया था कि हम बहुत लेट आते हैं तो वो बोल रही थी कि हम वेट कर लेंगे आपका लेकिन आपसे मिलकर जाएंगे। तो उन्होंने देखा और तुरंत आ गई और मिलने आ गई। बाजी की सेल्फी ले रही हैं बाजी के साथ, बाजी से कह रही हैं आपकी बहुत अच्छी वीडियो होती हैं।
की सब्सक्राइबर और कह रही है कि बहुत अच्छा बोलती हो आप, बहुत अच्छे वीडियो बनाती हो। मैं बोल रही हूँ घर पर आना, आएंगे इंशाल्लाह। अच्छे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग? हाँ अच्छे लगते हैं, बाजी अच्छा बनाती है। और यहाँ तक कि मुरैना का बनाती ना तो शॉप वगैरह देखने को भी मिल जाती है। सही है, आपने मुरैना का कुछ देखने मैंने पूछा भी था एक बार पर्स के बारे में, मेरी बाजी कहाँ से खरीदा। अच्छा आपने पूछा? मैंने ना पूछा था, तो शायद मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, नहीं कर पाई थी। तो एक बार कमेंट किया था मुझे कि आपने पर्स कहाँ से लिया और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाई थी। मैं बिजी इतनी ज़्यादा होती हूँ कि बहुत कम ही अपने कमेंट का जवाब दे पाती हूँ, ये हकीकत है। हाँ सही बात, नहीं दे पाती कि कामों में इतना ज़्यादा उलझी होती हूँ, बड़ी हूँ घर में तो नहीं मिल पाता इतना टाइम। मेरी तो बहुत मिलने की तमन्ना थी, आज पूरी होगी। चलो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो बस गाइज अपने सब्सक्राइबर से मिलकर सारा कुछ देखकर खाना खाकर अभी बारी आती है घर जाने की। तो ये था हमारे आज की शादी का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी प्रिंसेस अदीबा कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज हमारे व्लॉग में आप लोगों को क्या पसंद आता है ये भी बताना मत भूलिएगा। अभी फ़िलहाल मेरी दोनों ननद आ गई हैं और मैं अपनी ननदों के साथ बहुत मस्ती कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। दिन कहाँ गुजर जाता है पता नहीं चलता। तो बस पूरी साल वेट करते हैं इन लोगों के आने का, फाइनली आ गई। और ये देखें हमारे रूहान भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत ही प्यारा बच्चा है, बिल्कुल भी सताता नहीं है अपनी मम्मा को। तो बस फिलहाल अभी हम लोग घर आ गए हैं, अंदर चलते हैं और कल का आपको कल देखने को मिलेगा। फिलहाल अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।